यूपी में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और सभी निगमों पर कब्जे के साथ ही बीजेपी ने दो सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। सीएम योगी ने इस जीत को डबल इंजन की सरकार की जीत बताया। यूपी निकाय चुनाव में सीएम योगी की आंधी में विपक्ष ऐसा उड़ा कि 17 के 17 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी का ये प्रदर्शन 2017 के प्रदर्शन से भी बेहतर रहा। सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि दो सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की। जीत के बाद सीएम योगी पार्टी ऑफिस पहुंचे जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। जीत पर सीएम योगी ने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार की जीत है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई। एक तरफ बीजेपी ने बेहतर कानून व्यवस्था और विकास के दम पर निकाय चुनाव में बंपर जीत दर्ज की तो वहीं समाजवादी पार्टी हार से सदमे में है। गोरखपुर में तो एसपी प्रत्याशी काजल निषाद ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए धरने पर ही बैठ गयी। इससे पहले उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई थी। दरअसल काजल निषाद ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है और दोबारा चुनाव करवाए जाएं। ये मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए फिर से पूरा हो जाए या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। इस मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, गोरखपुर में डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने जाने की धांधली की खबर पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर मतगणना की सत्यता की जांच करे और गलत पाए जाने पर रिकाउंटिंग करवाए। वैसे कई जगहों पर मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मैनपुरी में एसपी कार्यकर्ता हंगामा करते हुए मतगणना केंद्र के अंदर घुस गए। यहां पर एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस और अधिकारियों से जमकर हाथापाई हुई। दरअसल एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि प्रशासन मतगणना से संबंधित जानकारी मीडिया से छुपा रहा है। निकाय चुनाव के अब तक के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत दिख रही है। नगर पंचायत चुनाव के नतीजों में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से जुड़े हैं, विनय सिंह समाजवादी पार्टी से, अजय वर्मा कांग्रेस से, अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। तमाम आरोप भी आपके ऊपर यहां पर लगाया गया। अजय जी अपनी बात अभी पूरी नहीं कर पाए तो मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे आपके ऊपर आरोप हैं। ईवीएम का भी आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। उसके अलावा कहा गया है कि हर तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, चुनाव टाले गए, आयोग का गठन नहीं किया गया, ये तमाम आरोप भी है। देखिए मैं सुन रहा था, हमारे मित्र अजय जी बोल रहे थे। पहले तो मैं अजय जी को कांग्रेस की कर्नाटक जीत की बधाई देना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने यूपी में इलेक्टोरल बॉडी के ऊपर सवाल उठाए हैं तो क्या वहां पर कर्नाटक में ये नहीं हो सकता था? समस्या क्या है, विपक्षी जब जीतते हैं तो ईवीएम